फिश करी ऐसी जिसे देख के ही लगे कि इससे बेहतर और कुछ नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि आज मैंने ये इतनी ज़्यादा टेस्टी फिश करी कैसे बनाई है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने 2 kg फिश मंगाया है। ये बिल्कुल तालाब का ताज़ा मछली मैंने मंगाया है। तो सबसे पहले इसे मैं अच्छे तरीके से धो ली हूँ और अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून हल्दी, मिर्चा और 1 टेबल स्पून ही नमक। ये तीनों ही चीज़ें डालने के बाद आपको इसमें एक मसाले का पेस्ट डालना है। ये जो पेस्ट है इसे मैंने कुछ मसालों को मिला के बनाया है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दी हूँ। उसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिला देंगे और इसे हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन लिया है। उसके बाद इस 100 ग्राम हम सरसों का तेल डालेंगे और ध्यान रखिए कि तेल आपका पूरा गर्म हो जाए, उसके बाद ही आपको फिश डालना है। फिश फ्राई करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊं तो इसमें सबसे पहले आप मुंडी जो मछली का रहता है उसे फ्राई कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा जो तेल का क्वांटिटी रहता है वो ज़्यादा रहता है, तो जो हमारा मुंडी है वो बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल फ्राई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका मुंडी फ्राई कर देते हैं। सो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपका एक तरफ से मछली पक जाए उसके बाद ही आप पलटने की कोशिश करें। यहाँ पे देखिए मैं जितने भी मुंडी को पलट रही हूँ वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक साइड से सिक चुका है, तो उसी तरीके से हम सारे मुंडी को पहले पलट लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी गाइज, और एक बार जरूर बना के देखिएगा। सो गाइज यहाँ पे हमारा देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से मछली का मुंडी फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसमें जितने भी फिश के पीसेस हैं वो भी इसी में फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है गाइज, अब वीडियो एंड तक देखना तब आपको पता चलेगा। और बहुत ही आसानी तरीके से मैं बनाई हूँ इस फिश करी को, कोई झंझट नहीं है। तो पहले हम सारे मछलियों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मछली बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों तरफ से फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। सो गाइज अगर अभी तक आपको फिश देख के लालच आ रहा है तो जरूर कमेंट करिएगा कि किस किस का फिश करी फेवरेट है। सो यहाँ पे आप देखिए कि सारी मछली फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम ग्रेवी लगाते हैं। ये मैंने जो मसाले मेंशन किए थे, लहसुन, सरसों, जीरा, गोलकी, अदरक का ये पेस्ट है, उन्हीं मसालों को हम इसमें पूरा ग्रेवी लगाएंगे और इसे अच्छे तरीके से आपको अंटिल 15 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक ये पूरा भुजा न जाए। क्योंकि मछली बनाने में सबसे ज़्यादा कलाकारी यही होता है कि अगर आप ग्रेवी को अच्छे से भूजोगे तभी अच्छा टेस्ट आएगा। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अच्छे तरीके से मेरा जो मसाला है उसे हम पहले फ्राई करेंगे। सो गाइज मसाले का टेक्सचर आप देख सकते हो और अच्छे तरीके से हमारा मसाला फ्राई हो गया है, तो अब हम इसमें हल्दी, मिर्चा और नमक डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से चला देंगे। मसाले अच्छे तरीके से भुजा गए हैं तो अब हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद आपको अच्छे तरीके से पहले इसे बॉयल आ जाने देना है, उसके बाद ही आपको फिश डालना है। बहुत ही ईजी तरीके से मैं बताने की कोशिश की हूँ कि ताकि आप जब बनाओ तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। सो गाइस करी में बॉईल आ चुका है, तो अब हम इसमें डालते हैं जो हमने फिश फ्राई किया था। ये देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी लगा है, और यकीन मानिए गाइस आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आपका बनेगा। आप जैसा कि देख रहे होंगे कि मैंने ऐसा कोई भी मसाला नहीं डाला है जो आपके घर में अवेलेबल ना हो, बिल्कुल ईजी तरीके से आप बना सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जितने भी फिश हैं सबको अच्छे तरीके से इसमें डाल के एक बॉईल लगा दूंगी और इसे हम फिर स्टीम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए। सो गाइस फिश करी बनके हमारा तैयार है, तो अब एट द लास्ट इसमें हम गार्निशिंग करेंगे धनिया पत्ता डाल के, क्योंकि बिना धनिया पत्ता का तो मेरा कोई भी खाना कंप्लीट नहीं होता है बनके। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से स्टीम पे 5 मिनट छोड़ देंगे और लीजिए तैयार है गर्मा गर्म फिश करी, बिल्कुल ही सिंपल और देसी स्टाइल में। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।